हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे साथ बालकोनी विद सुधा में। ये देखिए मैं लाई हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। तो आप कहेंगे ये देखिए 500 ग्राम बैंगन है, कि बैंगन का भरता तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मेरी एक अलग टिप है, बने रहना पूरे वीडियो में, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही सीक्रेट टिप है जो कि ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में और होटल जैसा आपको बैंगन का भरता लगेगा। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया अच्छे से वॉश करके, और नॉन स्टिक तवे पे मैंने डाल दिया ऑयल और इस पर सब बिछा दिया है एक तरफ से। इसको जो थोड़ा ऊपर नीचे भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, अगर तवे पे ना आ रहा हो तो। और मैं इसको कवर कर दूँगी, और ये देखिए इस तरीके से कवर कर दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। और फिर फ्रेंड्स फिर बोलती हूँ बने रहना पूरे वीडियो में, क्योंकि लास्ट में एक ट्रिप बहुत अच्छी जो भरते को एक अलग ही टेस्ट देगी। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम पलट देते हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से पलट देते हैं और फिर दोबारा से इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से हमारा भुन जाएगा। इस तरीके से भून के अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि कुछ लोग साबुत बैंगन का भरता बनाते हैं तो उसमें कीड़े का डर रहता है, इसलिए। ये देखिए मैंने छील लिया इसको और अच्छे से इसको मैश कर लेती हूँ एक बर्तन में डाल के। और ये देखिए हमारा मैश हो चुका है। और ये देखिए मैंने 5 बड़े प्याज चम्मच प्याज काटी है, और लहसुन लिया है, और ये देखिए जीरा, मस्टर्ड और ये दालचीनी, इससे हम छौंक लगाएंगे इसमें। तो ऑयल गर्म हो चुका है और अच्छे से इसको हम भून लेते हैं मसाले से, और इसमें डाल देते हैं अपना कुटा हुआ लहसुन। और लहसुन को का बस हम कच्चा पानी निकालेंगे, बस ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। और इसके बाद मैं इसे मस्टर्ड ऑयल ही डाला है, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं इसमें, रिफाइन वगैरह। तो ये देखिए अब इसमें डालते हैं प्याज, हम प्याज को भी ज़्यादा भूनेंगे नहीं, इसका भी कच्चा पानी निकालेंगे बस, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का भूनेंगे इसको। और फ्रेंड्स ये देखिए अब भून चुका है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी थोड़ी सी मटर। तो ये देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया मटर, और इसको इसमें भूनेंगे। आप चाहें तो इसको बॉईल करके भी मटर को ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बस 2 मिनट इसको भूनेंगे इसमें, तो इसका भी थोड़ा सा हल्का हल्का ये भुन जाएगा और इसका भी कच्चापन निकल जाएगा। और ये देखिए अच्छे से भुन चुकी है ये हमारी। अब हम 4 बड़े टमाटर लिए हैं, और इसकी एक क्यूरी बनाई है हमने, क्योंकि इसको कद्दूकस में हमने इसको ग्रेट किया है, हम इसे काटना नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से हम टमाटर भुनेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट भुनेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से, और कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसे लग रहा है, मन कर रहा है खा लो बैंगन का भरता, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। ये देखिए इसमें थोड़ी सी डालेंगे, 1/2 स्पून डालेंगे हम काली मिर्च, ना हम गरम मसाला डालेंगे ना कोई और मसाले ऐड करेंगे, सिर्फ काली मिर्च इसमें डालेंगे। और ये देखिए मसाला ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, और देखिए कितना अच्छे से पक गया है। अब हम डालेंगे अपना बैंगन जो हमने मैश किया था, अब हम इसको भी अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड ये गोबर का उपला, इसको हम तड़का लगाएंगे इससे, यही मेरा सीक्रेट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस कटोरी में इसमें थोड़ी सी जगह है, हम बना लेंगे और छोटी सी एक कटोरी इसमें रखेंगे। और जो हमारा ये करसी हमने सिलगाई है गोबर का उपले की, आप चाहे देसी घी या कोयला भी ले सकते हैं, नारियल का छिलका भी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, ये देखिए कितना अच्छा धुआं निकल रहा है, थोड़ा सा इस पर घी डाल देंगे और धुआं और तेज़ निकलेगा। अब हम इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए, और इसका जो फ्लेवर, इसका जो टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल स्टाइल में आप घर पर ही बना सकते हैं, बाहर से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मेरी रेसिपी आप ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक तो कर लीजिए, और जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।